मेरे चैनल मार्गदर्शन क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को जांच करना सीखे थे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। इस बार हम लोग एनसीईआरटी में द्विघात समीकरण का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में बदलना सीखना है। आपको भाषा दिया हुआ है, भाषा से द्विघात समीकरण के रूप में कैसे बदला जाएगा उसको हम लोग सीखना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो करे की क्षेत्र की लंबाई और आगे करे की क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूले जो देखना पड़ेगा वो फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई यानी एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो देखिए देखेंगे दिया है कि क्या दिया है। दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, ये तो आपको दिया हुआ है। लेकिन फिर से यहाँ पे कह रहे कि आयताकार भूखंड की जो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, आयताकार भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहाँ का बात को समझिए, कह रहे कि आयताकार भूखंड की लंबाई जो है, लंबाई जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, अर्थात लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। तो जो कम है उसे मान लेंगे कि आयताकार भूखंड का जो चौड़ाई जो है, माने कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई, मान लीजिए चौड़ाई कितना है? एक से। फिर से देखिए, फिर एक बार देखिए, करें कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, अर्थात आयताकार भूखंड का लंबाई कितना जाएगा? करें कि चौड़ाई के दुगुने से एक, दुगुना, तो दुगुने कितना जाएगा? इसका दुगुना करेंगे तो 200 जाएगा, एक अधिक, जब अधिक कहीं है तो जोड़ देंगे, कम कहते तो घटा देते, लेकिन करें कि एक अधिक है, जब अधिक कहते हैं तो जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा? प्लस एक। अगर यहाँ पे एक अधिक करे तो एक जोड़े, दो अधिक कहते हैं तो दो जोड़ते हैं, पांच अधिक कहते हैं तो पांच जोड़ते हैं, दस कहते हैं तो दस जोड़ देते हैं। यानी आयताकार भूखंड का लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया एक, चौड़ाई लंबाई कितना हो गया? 2x हो गया। और क्षेत्रफल हमें मालूम है, क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। देखेंगे चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार है, आकृति कैसे है? आयताकार है, आकृति कैसे भी हो लेकिन कैसे है? आयत है, आयत है, आयत के फॉर्मूला में से सेम रहता है। तो कितना होगा आयत का क्षेत्रफल? क्या होगा? लंबाई ना चौड़ाई, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों को बराबर कर देंगे, कितना जाएगा? 528। ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ही है। तो लंबाई कितना है? लंबाई आपका है 2x+1, 3x+1 इंटू चौड़ाई कितना है? चौड़ाई कितना है? एक से। बराबर कितना? 528। अब क्या करेंगे? इसे एक से गुना कर देंगे, इसमें गुना करेंगे तो कितना देगा? 2x² + 1 बराबर कितना? 528 या 2x² + 1 प्लस में है तो बराबर किधर लगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस कितना? 528 बराबर एक्स। यही हो गया आपका। क्या कर रहा था कि क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, अर्थात द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए। तो यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण, कितना? 2x² + 1 -528 = 0। चलिए इसी टाइप के टाइप पर एक क्वेश्चन देते हैं, तो आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है
द्विघात समीकरण ला के बताना है कि कितना द्विघात समीकरण होगा। तो क्वेश्चन आपका है इसी टाइप पर, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 232 मीटर स्क्वायर है, करें कि क्षेत्र की लंबाई अर्थात आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई के तीन गुने, अब क्वेश्चन करें कि तीन गुने से कितना अधिक है, पांच अधिक है, इसे क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में बदल के कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दो नंबर क्वेश्चन का दो नंबर है, कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है कितना है, 306 है, कह रहे कि हमें धनात्मक उस पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक मतलब कि प्लस वाला पॉजिटिव नंबर, और क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार लगातार, यानी एक के बाद एक, जैसे मान चलिए कि चलिए 8 से शुरू करते हैं, 8 के बाद क्या आएगा क्रमागत, तो 8 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 10, क्रमागत लेना है, क्रमागत यानी लगातार लेना है, 10 के बाद 11, ऐसे 12 13 14 15 ऐसे लगता रहेगा। एक और देखिए एग्जांपल, जैसे मान के लिए 32 से शुरू करते हैं, 32 से लगातार क्रमागत तीन की संख्या क्या क्या होगा, एक होगा आपका 33 34 होगा। अब देखिए तो इसमें थोड़ा गौर कीजिए, क्रमागत जो है तो है लेकिन 8 के बाद 9 कैसे है, यानी 8 में क्या किए कि एक जोड़ दिए तो कितना मिल गया 9, फिर 9 में क्या किए कि एक जोड़ दिए 10 मिल गया, 10 में एक जोड़ दिए कितना 11 मिल गया। क्रमागत जब संख्या का होता है तो एक संख्या अगर मालूम चल जाएगा दूसरे कहेगा कि इससे अगला क्रमागत क्या होगा, तो उसमें क्या करते हैं कि एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो उसके बाद की क्रमागत संख्या में मालूम हो जाता है। तो उसी तरह से कह रहा है, उसी प्रकार कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है, करेंगे हमें धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे कि मान लेंगे, माने कि पहला धनात्मक पहला धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए कितना 100 गया, करें क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, अब कहेंगे कि क्रमागत वाई के क्रमागत अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो वाई के अगला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे कि वाई है तो वाई का अगला क्या हो जाएगा, वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लीजिए 1 से मान लीजिए, इसका अगला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत क्या करेंगे कि इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, अगला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। फिर से मान लीजिए चलिए मेरे पहला धनात्मक पूर्णांक ए है, तो अभी का धनात्मक पूर्णांक निकालना होते क्या करेंगे, ए में प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमें अगला धनात्मक पूर्णांक निकल जाएगा। ठीक है, अब करेंगे दोनों का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल यानी गुणा, दोनों का गुणनफल करने पर यानी गुणा करने पर कितना आता है, 306 आता है। देखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या करेंगे, दोनों को गुना करने पर कितना आता है, गुणनफल यानी गुना, दोनों को जब गुना करते हैं तो 306 आता है, अर्थात x इंटू x प्लस 1 बराबर कितना 306, x में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x में प्लस 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर कितना 306 या x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में, तो इधर आएगा क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा कितना 306 बराबर कितना 0। यही हमारा हो गया द्विघात समीकरण, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए, अगर द्विघात समीकरण कर द्विघात समीकरण को हल करना सीखना होगा, तो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है।